इस बार इंडिया गठबंधन की वजह से 1-1 इलेक्शन होने वाले हैं। बीजेपी इस बार बुरी तरीके से हारने वाली है, ये बीजेपी जानती। अभी हाल ही में मणिपुर में जो दंगे हुए, हमारी माँ बेटियों को जो लंगा किया गया, इस पर बीजेपी विशेष सत्र नहीं बुलाती। क्या वजह है कि बीजेपी इस महीने की 18-22 तारीख तक 5 दिन का विशेष सत्र बुलाई है? वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो, ये एमएलए इलेक्शन और एमपी इलेक्शन एक साथ किया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन से सीधा सीधा टारगेट जो गठबंधन इंडिया है उसको किया जा रहा है। अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास होता है तो सीधा सीधा ये इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। आप लोगों के सामने पाकिस्तान से भागकर आई एक लड़की का, उसको हीरोइन बनाकर घंटों घंटों डिबेट करती हुई नजर आती है मीडिया। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा परेशान है, देश में हर कोई परेशान है, उसमें डिबेट होता हुआ नजर नहीं आता। हर बात में हिंदू मुस्लिम को लाया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों से उठकर हमें आगे बढ़ना है। बीजेपी का जो गुब्बारा है, जो एक पेज पे जो बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, वो कहीं ना कहीं फूटने वाला है। वहां पर भी कर्नाटका की तरह उनका हाल होने वाला है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. Assalamualaikum, आदाब दोस्तों। One nation, one election, uniform civil code पे हम आज बात करेंगे। बीजेपी इस बार के 2024 के इलेक्शन में उस तरीके का परफॉर्म नहीं करने वाली है, ये बीजेपी जानती है। इससे पहले के जो एमपी इलेक्शन हुए थे वो 150 सीटों पर त्रिकोणी मुकाबला होने की वजह से बीजेपी की जीत हुई थी। इस बार इंडिया गठबंधन की वजह से 1-1 इलेक्शन होने वाले हैं। बीजेपी इस बार बुरी तरीके से हारने वाली है, ये बीजेपी जानती है। इसीलिए बीजेपी अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाती है, जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के कहने पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या माननीय स्पीकर बुला सकते हैं। बीजेपी कोविड-19 के वक्त नहीं बुलाई, बीजेपी नोटबंदी के वक्त नहीं बुलाई, अभी हाल ही में मणिपुर में जो दंगे हुए, हमारी मां बेटियों को जो लंगा किया गया, इस पर बीजेपी विशेष सत्र नहीं बुलाती है। क्या वजह है कि बीजेपी इस महीने की 18-22 तारीख तक 5 दिन का विशेष सत्र बुलाई है? हमारा बखूबी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इनकी पहली मीटिंग पटना में हुई, दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में हुई और तीसरी मीटिंग हाल ही में मुंबई में होती है। जो इनका मेन जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी, सब लोग जुड़ना, एक प्लेटफॉर्म पे आना जो चुनौती थी, इंडिया गठबंधन ने इस चुनौती को पार कर लिया है, वो कामयाब हो चुके हैं। इसको देखते हुए बीजेपी भोकलाई हुई है और ये संसद के विशेष सत्र में ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन का बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाने वाले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से तमाम गोदी मीडिया ये अफवाह फैलाती नजर आ रही है कि इससे देश तरक्की करेगा, इससे आवाम को फायदा होगा, आवाम को बेनिफिट मिलेगा। ये सरासर झूठ है। मैं कहना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक इलेक्शन से देश को खतरा होगा, देश को नुकसान होगा, खास तौर पे आवाम का इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो कैसे, देखिए, जब आप सेंटर में सरकार को चुनकर भेजते हैं और वो आपसे मैनिफेस्टो लाती है और आपसे वादे करती है, जैसे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, 15-15 लाख रुपए मुफ्त में लोगों के अकाउंट में डाले जाएंगे, गरीबी दूर होगी, 15 रुपए लीटर पेट्रोल दिया जाएगा, ट्रिलियन इकोनॉमी चलेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी,
जब ये तमाम वादे इन्हीं के नेता मीडिया में आकर जब इन वादों को जुमले करार देते हैं तो आवाम के पास एक ताकत होती है कि इन्हें स्टेट में मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम कर्नाटक की आवाम ने किया, उसी तरीके से बीजेपी को डर है आने वाले जो इलेक्शन है, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपको तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहां पे एमएलए इलेक्शन होने वाले हैं और बीजेपी का जो गुब्बारा है, जो एक पेज पे जो बीजेपी इलेक्शन लड़ती है वो कहीं ना कहीं फूटने वाला है, वहां पर भी कर्नाटक की तरह उनका हाल होने वाला है। इसको देखते हुए बीजेपी चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो, ये एमएलए इलेक्शन और एमपी इलेक्शन एक साथ किया जाए। इससे आवाम का बहुत बहुत नुकसान होने वाला है दोस्तों। मिसाल के तौर पर जैसे कि ये तानाशाह सरकार हमारे और आपके ऊपर जिस तरीके से काला बिल लेकर आई थी, किसानों का बिल, ये बिल के आप जानते हैं दिल्ली के अंदर तमाम किसान नेताओं ने, तमाम किसानों ने प्रोटेस्ट किया, हजारों की तादाद में लोग मरे, तब भी इन लोगों ने इस बिल को वापस नहीं लिया। जैसे ही यूपी के इलेक्शन आते हैं ये लोग उस काले बिल को वापस लेते हैं। क्यों वापस लेते हैं? क्योंकि ये जानते हैं अगर ये बिल वापस नहीं लेंगे तो ये किसान यूपी में इन्हें वोट नहीं देंगे और यूपी में ये लोग हार जाएंगे। इन्हें डर लगा रहेगा अगर अलग अलग इलेक्शन होते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन बचता है, अगर एमएलए इलेक्शन और एमपी इलेक्शन एक साथ होते हैं तो हम 5 साल तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, हम इनके तमाम काले कानूनों को झेलना पड़ेगा, इनके तमाम वादों को जुमले समझकर भूल जाना होगा। वहीं पर दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला ये लोग लेकर आ रहे हैं, फिर से ये लोग जिस तरीके से पिछले मस्जिद मंदिर हिंदू मुस्लिम पुलवामा कालाधन हिंदुस्तान में लेकर आएंगे, एक सर के बदले 10 सर कट करेंगे, दाऊद इब्राहिम को पकड़कर लेकर आएंगे, इस तरीके के तमाम वादे इनके झूठे हो चुके हैं, फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बुनियाद पर ये लोग हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से सीधा सीधा टारगेट जो गठबंधन इंडिया है उसको किया जा रहा है। अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास होता है तो सीधा सीधा ये इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। वो कैसे? मिसाल के तौर पर दिल्ली में अगर एमएलए इलेक्शन और एमपी इलेक्शन एक साथ होते हैं तो अरविंद केजरीवाल जो इंडिया गठबंधन से जुड़कर जो एमपी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सीधे सीधे वहां से कट हो जाएंगे, वो अपने सिंगल बुनियाद पे एमएलए इलेक्शन लड़ेंगे और सिंगल बुनियाद पे एमपी इलेक्शन लड़ेंगे। वो लोगों का सीधा सीधा टारगेट इंडिया गठबंधन को तोड़ना है दोस्तों। वहीं आप हाल ही में देखते हैं ब्रिज सम्मेलन में हमारे नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं और वहां पर विदेश में गो बैक के नारे लगते हैं, वहां पर मणिपुर का मुद्दा उठाया जाता है, मोदी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं, देश इस तरीके से बदनाम हो रहा है दोस्तों। जैसे ही हमारा देश का इसरो चंद्रयान 3 के मिशन को कामयाब करता है, बेंगलुरु के अंदर कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार जो है उन लोगों को फेलिसिटेट करते हैं, उन लोगों को मुबारकबाद देते हैं, उन्हें फूल और शाल अफजाई करते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं, उसको देखते हुए मोदी जी जो विदेश से वापस आ रहे थे, इंडिया जी ने दिल्ली में उतरना था, वो डायरेक्ट बेंगलुरु में उतरते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री अगर किसी स्टेट में आता है तो वहां का सीएम, वहां का डिप्टी सीएम, वहां के अहदेदारान उसे रिसीव करते हैं। पर नरेंद्र मोदी कर्नाटका के सीएम डिप्टी सीएम अहदेदारों को मना करते हैं उन्हें रिसीव करने के लिए, वो खुद अकेले आकर इसरो से मिलते हैं और वहां पर हर बार की तरह वो भाषण देते हैं। भाषण में वो कहते हैं कि मैंने सिद्धरामैया को नहीं बुलाया, मैंने डीके शिवकुमार को नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं 5 मिनट में पहुंचूंगा या 50 मिनट में पहुंचूंगा, उनका टाइम खराब नहीं करना चाह रहा था। जरा सर दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को अहंकार को ठेस पहुंची थी कि उनसे पहले इन्होंने जाकर उनकी हौसला अफजाई कैसे की, उनकी गुलकुशी कैसे की। इनका अहंकार पे चोट पहुंचती है तो वो उन्हें नहीं बुलाते, इस तरीके से इनका अहंकार बढ़ चुका है दोस्तों। हमें चाहिए कि इंडिया गठबंधन को तमाम सेकुलर पार्टी मिलकर जो एक सुर होकर जो एक पहली लड़ाई वो जीत चुके हैं एकजुट होने की, उन्हें हमें सपोर्ट करने की जरूरत है।
तमाम नेता मुंबई के अंदर ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम अपना नुकसान करने के लिए तैयार हैं, पर इंडिया गठबंधन का हम फायदा कराएंगे। और जो कहीं ना कहीं जो त्रिकोणीय लड़ाई होने की वजह से बीजेपी कई जगह जीती थी, इस बार दो लोगों के बीच में लड़ाई होने की वजह से बीजेपी हारने वाली है, इसको देखते हुए वो इस तरीके के स्टेप उठा रही है। और वन नेशन वन इलेक्शन को इतना आसानी से बिल पास नहीं हो सकता, इसे तमाम स्टेट की सरकार पास करना होगा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सारे संशोधन करने होंगे जब यह बिल पास होगा, जो कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आता है। पर यह गोदी मीडिया यह दिखाना चाह रही है कि मोदी देश का फायदा करना चाह रहे हैं और ये जो दूसरे पार्टियां देश का नुकसान कर रही हैं, इस तरीके से एजेंडे ये गोदी मीडिया करती आ रही है। और जो सच दिखाने वाली मीडिया है वो एक ही मीडिया हिंदुस्तान के अंदर जिंदा है, वो है सोशल मीडिया। इसीलिए सोशल मीडिया के बीच आकर तमाम लोग आपके बीच में, सोशल वर्कर आपके बीच में आकर ये सच्चाई आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी तमाम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेगी, इंडिया एलायंस को सपोर्ट करेगी, मैं गुलबर्गा से ऐलान करना चाहता हूं। दोस्तों, मणिपुर का वाकया हमारे सामने है, किस तरीके से हमारी बहनों को माओं को लंगा किया गया, उस पर हमारे प्रधानमंत्री एक ट्वीट करते हुए नजर नहीं आते, उसके ऊपर सदन में बहस करते हुए नजर नहीं आते। देश के सामने ऐसे हजारों मुद्दे हैं, इन सभी को गोदी मीडिया भटकाती हुई नजर आ रही है। आप लोगों के सामने पाकिस्तान से भागकर आई एक लड़की का, उसको हीरोइन बनाकर घंटों घंटों डिबेट करती हुई नजर आती है मीडिया। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान परेशान है, युवा परेशान है, देश में हर कोई परेशान है, उसमें डिबेट होता हुआ नजर नहीं आता। हर बात में हिंदू मुस्लिम को लाया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों से उठकर हमें आगे बढ़ना है, एक होना है, और जो जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया नारा लेकर जो इंडिया गठबंधन निकला है, इस नारे को घर घर हमें पहुंचाना है और इस बार इंडिया गठबंधन को जिताना है। हमें यह काम नौजवानों को अपने खांधों पर लेना होगा, लेकर हमें सारे चीजों को देखते हुए यह गोदी मीडिया से बचना है, क्योंकि आए दिन ऐसे फेक ट्वीट चलाए जा रहे हैं, दो रुपए देकर ट्वीट किए जा रहे हैं, कार जिताएगी इलेक्शन, मेक इन इंडिया में मोदी जी ने कार लेकर आए, इसे तमाम अफवाहों के बीच में आपको फंसाया जा रहा है। मैं इतना कहते अपनी बात को खत्म करता हूं कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।